फिर से मैंने इस चैनल साइंस स्किल पे आपका बहुत स्वागत करते हैं। चलिए मैं फिर से लाया हुआ हूँ एसएससी सीएचएसएल का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। तो चलिए 25 रीजनिंग के क्वेश्चन में से प्रैक्टिस में स्टार्ट करते हैं। नंबर वन से बोल रहा है रेशियो, यानी कि ये दोनों में जिस तरह का रिलेशन होगा उसी जैसा हमें फाइंड आउट करना है कि इसको हम लोग किस रिलेशन के आउट जैसा कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 48 4 5 है, इसको लिखता है 45 का स्क्वायर। अच्छा, ऐसा देखने पे ये दोनों में रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि क्या 45 का स्क्वायर इतना होता है, चेकआउट करते हैं। तो 45 का स्क्वायर अगर चेक करेंगे यहाँ पे, 25 25 का हाथ में 2 5 24 2 22 के दो हाथ में 2 18 25 हो रहा है, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि कभी भी इसका स्क्वायर ये नहीं दिया हुआ है। अच्छा, और कुछ क्या हो रहा होगा, तो 45 है, हो सकता है कि अंतिम वाला 2 का स्क्वायर क्या होगा, जैसे 45 है तो 45 का स्क्वायर कर दिया। उसी तरह से अंतिम में 64 है तो 64 का स्क्वायर कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तब तो ये लॉजिक गलत है। तो और हम लोग दिमाग लगाते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट 4 और इसका अंतिम पार्ट 5, 4 5 दिख रहा है। अब इस 4 5 का हो सकता है कि स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका अगर फर्स्ट में देखेंगे कि 5 है और लास्ट में देखेंगे कि 4 है, तो आप देखेंगे कि 54 का स्क्वायर दिया है कि नहीं। बिल्कुल दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4th। मेरा मतलब कि जैसे ही इस तरह का सवाल रेशियो प्रोपोर्शन वाला मिले, तो हम लोग सोचते ये हैं कि आखिर ये दोनों में किस तरह का रिलेशन बन रहा है। जैसा इन दोनों का रिलेशन बनेगा वैसा ही इसका और इसके साथ बनाना है। तो हम लोगों ने बहुत सारा ट्राई किया, तो पता चला कि 4 5 और यहाँ पे 4 5 का स्क्वायर है, इस तरह से यहाँ पे 5 4 5 4 का स्क्वायर होगा। बाकी और भी लॉजिक ट्राई कर रहा था, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे और भी लॉजिक, जैसे कि 45 का स्क्वायर क्या नहीं हुआ, तो बहुत सारा लॉजिक लगाइएगा, अगर जो ऑप्शन में मिल जाएगा दैट इज राइट लॉजिक, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का स्क्वायर। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहा है रो रिम RORRIM का जो इसके साथ रिलेशन है उसी के साथ इसका क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसको पलट कर लिखा है, MIRROR मिरर लिख दिया है। उसी तरह से इसको हम लोग पलटेंगे तो PRESENT प्रेजेंट बनेगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, EAC का जो रिलेशन इससे है HDF का किससे होगा। तो EAC का E जो है 5 नंबर में है, K है 11 नंबर में, तो 5 से 6 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ई से के आने के लिए 6 आगे बढ़ना पड़ रहा है। ए का नंबर 1 है, जी का नंबर 7 है, तो 1 से जी आने के लिए 6 आगे बढ़ रहे हैं, 1 + 6 = 7। सी का नंबर 3 है और 3 से आई का नंबर आना है, आई का होता है 9, तो 3 में 6 जोड़ रहे हैं। मतलब क्या कि सब में 6 6 जोड़ रहे हैं, तो एच होता है 8, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 और 14 होगा एन का। तो जैसे ही पहला ऑप्शन देख लिए कि पहले में एन है और बाकी में किसी में एन नहीं है, तो हमको चेक करने का भी जरूरत नहीं पड़ा, राइट आंसर हुआ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें भी ये दिमाग लगाना था कि गणित का जो रिलेशन तर्क से है विज्ञान का रिलेशन किससे होगा। तो आपको तो जानते ही होंगे कि मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स का यही डेफिनेशन है कि मैथ जो है तार्किक विषय है, लॉजिकल सब्जेक्ट है। उसी तरह से साइंस क्या है, तो साइंस एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, यानी कि वहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करके थ्योरी को प्रूव करते हैं, थ्योरी को समझते हैं, प्रमाण देते हैं। तो यहाँ पे साइंस क्या है, तो परीक्षण वाले सब्जेक्ट है, एक्सपेरिमेंट्स वाले है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अब खिड़की का जो संबंध फलक से है उसी तरह से किताब का किससे होगा। तो खिड़की में आप जानते होंगे फलक होता है, नहीं होता है फलक, एक फलक दो फलक, मतलब कि खिड़की दोनों तरफ से खुलता है, एक तरफ से इधर से और एक तरफ से इधर से, तो खिड़की में फलक होते हैं। उसी तरह से किताब में क्या होते हैं, आवरण, उपन्यास, पृष्ठ, शीशा, तो किताब का आवरण नहीं पृष्ठ होते हैं किताबों में, जैसे ये बुक्स है इसका एक पृष्ठ दो पृष्ठ ये सब क्या है पृष्ठ होते हैं। खिड़की में जिस तरह से फलक होते हैं किताब का रिलेशन पृष्ठ से होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें हमको सीरीज का क्वेश्चन मिल गया, TRPN वर्ड, तो टी का नंबर 20 20 और आर का नंबर 18, तो 18 यहाँ 18, पी का नंबर 16, एन का 14, तो हम क्या देख रहे हैं कि 20 से 2 कम होके 18, 2 कम होके 16, 2 कम होके 14, तो आपकी 2 कम होगा तो 12, 12 का मतलब एल, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए यहाँ पे एक है, 48 है, 4 है, 24 है, 7 है, यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे 10 और 2 है। तो एक मरतबा तो यहाँ से पता चल रहा है ये चीज़ कि एक छोड़कर तीन तीन का गैपिंग है, एक में जोड़े तीन तो चार, और चार में जोड़े तीन तो आया सात, सात में जोड़े तीन तो आया दस, और दस में तीन जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 13। लेकिन हमें यहाँ कुछ पूछ नहीं रहा, हमें यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे भरना है मतलब कि इसको 147 से चलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 147 10 यहाँ तो आ जा रहा है, यहाँ हमें भरना है। तो यहाँ भरने के लिए 48 24 और इसको और इसको, यानी कि 48 24 और फिल इन द ब्लैंक्स है उसको और दो को समझना होगा कि कैसे करेंगे। तो ऐसा करते हैं, 48 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 24, और 24 में 2 से भाग करेंगे तो 12, और 12 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 6 होना चाहिए था जो कि आ नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए हम 12 क्यों नहीं कर सकते हैं, 12 इसलिए गलत हो रहा है कि यहाँ मान लेते हैं कि 2 से भाग किया तो 24 यहाँ तो है ना, 2 से भाग करने पे 24, लेकिन जब इसको 2 से भाग करेंगे तो 12 यहाँ होना चाहिए, तो मान लेते हैं 12 भरते हैं, और 12 को जब 2 से भाग करते हैं तो यहाँ 6 होना चाहिए ना, तो है नहीं, इसलिए 12 हम लोग भर नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं, इसको अगर 2 से भाग किया तो 24, अब इसको 3 से भाग कर रहे हैं, एक बढ़ा करके भाग कर रहे हैं, तो 3 ही 8 24 या 8 बढ़ाते हैं। अब एक बढ़ा के अब इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 दो 8, देखिए अब ये लॉजिक सही हो जाएगा, क्योंकि क्या किया 48 24 वाले केस में, एक एक छोड़ छोड़ के 2 से भाग किया, इसको 3 से भाग किया, इसको 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा। अब की बार में 5 से भाग करते अगर और भी आगे जाना होता तो, इसलिए यहाँ पे भराएगा 8, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, हिंदी दिखाते हैं भर इसका हिंदी। किसी भाषा में प्रेयर को MOXVBO लिखा जा रहा है तो सैल्यूट को कैसे लिखा जाएगा। अब प्रेयर, प्रेयर में आप सबका ये करते हैं तो पी का कितना होगा, तो पी का होगा 16, एम का होगा 13, तो 16 से 13 आने के लिए आप 3 माइनस होना पड़ेगा आपको। आर का होता है 18 और ओ का होता है 15, तो 18 में से बिल्कुल 3 माइनस हो रहे हैं तो 15 बन रहे हैं। मतलब क्या, एक दो को तीन को देखे तो पता चला कि सब में तीन तीन माइनस है, तो एस में से भी 3 माइनस किया जाए तो एस का होता है 19, और 19 में से 3 माइनस करेंगे तो 16, और 16 वाले पे होता है पी, तो ऑप्शन नंबर सब में पी पी है। तो मेरा ये मतलब ये है कि ये चीज़ें आपको तभी क्लियर होगा कि कौन कितना नंबर पे है। इस पर भी मैं वीडियो चलाऊंगा कि अल्फ़ाबेटिकल को हम लोग कैसे याद रखेंगे। फिलहाल अभी ये चीज़ कीजिए कि अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लिख के कुछ अपने तरफ से ट्रिक बनाइए और याद कर लीजिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट का नंबर कितने नंबर पे है। अगर नहीं होता तो थोड़ा सा देर होगी, थोड़ा सा लेट हो सकता है, हम आपको इस अल्फ़ाबेट का ज़रूर वीडियो लाएंगे बिल्कुल सरल भाषा में, एक एक बात याद हो जाएंगे कि कौन से नंबर पर कौन पोजिशन है लेटर का। इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, हम सब चीज़ की वीडियो चलाएंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ए के लिए क्या होगा। तो यहाँ तो लिखा हुआ है ना ए के जगह पे एक्स, ये तो लिखा ही हुआ है, प्रेयर में ए है और यहाँ पे एक्स, तो ए के जगह पे एक्स आएगा, इसका मतलब है कि अब पहला दूसरा में से कोई सही होगा, क्योंकि इधर तीसरा चौथा ऑप्शन छट गया क्योंकि यहाँ पे आई आई है। नेक्स्ट है एल, एल का नंबर 12 होता है और 12 में से 3 घटाइएगा तो बनेगा 9, और 9 का होता है आई, तो PXI तीनों में है। अब आगे बढ़ते हैं यू, यू का होता है 21 और 21 में से 3 घटाएंगे तो बनेगा 18 और 18 का होता है आर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, यहाँ से मिल गया क्योंकि यहाँ पे तो क्यू है, यहीं पे आर है, तो बाकी सब इसी में से आगे होगा, इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम चुनने के लिए, चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। और देखिए हम पिछले वीडियो में भी बोले सेट 2 वाले रीजनिंग में कि अगर डिजिट दिए हुआ रहता है ना तो थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम होता है कि किस बेसिस पे, किस लॉजिक पे हम इसको ऑड छाटें। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अंत में 0 है, पहले इवन ऑड चेक करते हैं, तो बिल्कुल इवन ऑड पे क्लियर हो गया है दोस्त, इस तीनों के अंतर अंत में 0 है, इसके अंत में 0 नहीं है, बोल सकते हैं कि ये तीनों ऑड है लेकिन ये तीनों ऑड नहीं है, तो इस तरह से ये विषम है। नेक्स्ट देखिए स्टेट दे दिया है, ऐसा होता है स्टेट वाले में कि तीन ठो राज्य रहेगा, एक ठो राजधानी रहेगा तो चुन देंगे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश, तो तीनों तो राज्य ही है, यानी कि तीनों स्टेट का नाम दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे ऑड छाटेंगे।
तो अब चलिए इसका मैप में लोकेशन पता करते हैं। तो लोकेशन याद होगा मैप से, तो अरुणाचल प्रदेश जो है उत्तर पूर्व में है, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश। बाकी ये तीनों जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है, मतलब कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम इस साइड में है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है उत्तर पूर्व में है, मतलब यहाँ है। मैप देखेंगे तो ये उत्तर होता है, यहाँ पश्चिम होता है, यहाँ पूर्व, तो उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, बाकी ये तीनों स्टेट जो है उत्तर पश्चिम में पड़ते हैं। तो इस तरह से ये अलग है अरुणाचल प्रदेश, इसका लोकेशन अलग डायरेक्शन में है। नेक्स्ट देखते हैं, 65 है, 28 है, 126 है, 215 है। यहाँ इवेन ऑड लगाएंगे तो ये ऑड, इवेन इवेन ऑड, यहाँ पे तो इवेन ऑड का केस चलेगा नहीं। दो से भाग करेंगे तो इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, मुश्किल है। और सोचते हैं, हाँ अगर स्क्वायर क्यू का मामला देखें तो 3 का क्यू प्लस 1, 3 3 9 होती है 27 और 1 28, 4 का क्यू 64 और 1 65, 5 का क्यू 125 और प्लस 1, यानी कि सब में क्यू प्लस 1 हो रहा है, लेकिन इसमें 215 का में किसी भी संख्या का क्यू करके 1 जोड़ने पे नहीं आ रहा है, मतलब कि बाकी तीनों में क्यू करके 1 जोड़ने पे आ जा रहा था, लेकिन 215 में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है, मतलब कि ऑड है, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। नेक्स्ट है LMVWHIRQCBNODE, ऐसा करके 4 ऑप्शन है, ये अल्फ़ाबेट का है। अब इसमें से ऑड चुनना है कि इसमें से कौन अलग है, तो हम पहले दो दो लेटर को समझते हैं लेकर के, कुछ आइडिया पता चल जाएगा। तो L के बाद M होते हैं, बिल्कुल सही है, H के बाद I होता है, बिल्कुल सही है, N के बाद O होता है, बिल्कुल सही, R के बाद Q होता है, यहीं से देखिए कुछ गड़बड़ पता चल रहा है, यानी कि पहला तीसरा चौथा तो ऐसे भी सेम सेम है, तो कुछ बातें सेम सेम लग जाए ना तो एकदम पक्का गारंटी है कि ये तीनों सेम सेम है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पे दूसरा ऑड हो जाएगा। और भी चीज़ों को लेकर आप चेक कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस मामला यही है कि ऑड चुनने के लिए तीनों में कुछ ना कुछ लॉजिकली सेम होना चाहिए और एक अलग होना चाहिए। तो यहाँ से देख पा रहे हो कि लास्ट फर्स्ट का टू लेटर डिजिट नहीं चलेगा, लेटर एक के बाद, मतलब कि सीरियली है और यहाँ पे अपोजिट है, मतलब एल के बाद एम होता है जो कि सही है, लेकिन यहाँ पे आर के बाद क्यू होता है, ये उल्टा बात बोल रहा है, इसलिए दूसरा ऑड है, दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है, वही मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, सब लिखा हुआ है, मैट्रिक्स वन है, उसको हिंदी में बोलते हैं आविर्भाव, वन और टू दिया हुआ है, और उसमें हमको डेवरिस का चुनना है, डेवरिस का मैट्रिक्स, चलिए मैट्रिक्स दिखाते हैं, नेक्स्ट पेज में है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे चुनना है हमें डेवरिस, डेवरिस का चुनना है। अब डेवरिस का चुनना है तो ऑप्शन से ही चेक करते हैं फटाफट, देखेंगे 40, तो 40 में डी है, बिल्कुल सही, यहाँ 9 और 5 में ई है, बिल्कुल सही, 1 4 1 और 4 बी है, बिल्कुल सही, फिर 5 और 9 देखिए 5 9 कितना नंबर पे है, 4 पे, यहाँ पे आर आना चाहिए 5 9 पे, तो 5 9 पे ई है, यानी कि पहला ऑप्शन तो हम लोग चेक किए गलत हो गया। तो चलिए अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 2 2, तो 2 यहाँ 2 यहाँ डी, 5 9 5 9 ई है, तो ई है बिल्कुल सही दूसरा नंबर में, 4 2 4 2 यू है जो कि हमें बी चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। तो देखिए इसको हम लोग जितना फास्ट चेक कर सकते हैं ऑप्शन से ही, तो अब डिपेंड करेगा कि आप चीज़ों को कितना जल्दी फास्ट चेक कर पा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन 40 डी है, 9 5 9 यहाँ 5 यहाँ 9 5 में ई है, हमको ई चाहिए, फिर तीसरा में 1 4 1 यहाँ है 4 यहाँ है बी चाहिए, बिल्कुल सही, 5 8 5 8 बिल्कुल आर है चाहिए, तो आर है, उसके बाद 3 4 3 4 आई, देखिए यहाँ पे आ गया, तो 3 4 में आई है, तो हाँ सच में हमें आई भी चाहिए भी, तो कोई गलती अभी तक नहीं है, 6 9 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो डबरिस, डबरिस तो मिल गया, तो ऑप्शन नंबर जिसमें मिल गया
उसको हम लोग टिक आउट कर देंगे। अगर मान लिया कि ये तीनों को चेक किया, तीनों गलत, तो चौथा को चेक ही नहीं करना है मेरे दोस्त। वो आप खुद समझिए ना कि तीनों को चेक करा, तीनों गलत है, तो ऑब्वियसली चौथा ऑप्शन सही होगा, उसको चेक नहीं कीजिएगा, टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि चेक करने में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं। लेकिन आपका प्रैक्टिस है तो ये चीज़ें बिल्कुल आसान है, फटाफट आप कैलकुलेशन दोनों में से देख कर कि किस में नंबर है, आप एक नज़र देखिए, इसमें से एक से लेकर चार, जीरो से लेकर चार तक रहता है, और इसमें से पाँच से लेकर नौ तक रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है डिक्शनरी वाले क्वेश्चन है। अब डिक्शनरी में कौन सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, तो आप पहले लेटर्स को देखिए कि किस पे डिसाइड कर सकते हैं। सब में ए एल है तो इस पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरे नंबर में ए ए है, इसमें भी नहीं। तीसरा में यू है सब में, तो उस पे भी नहीं। इसमें सब में एन है लेकिन इसमें यू है, तो आप खुद समझिए कि ये दोनों तो पहले आएगा, एक और तीन में, एक और तीन पहले आएगा और दो और चार अंतिम में आएगा। यानी क्यों अंतिम में आएगा, क्योंकि एल ए और फिर तीसरा नंबर पे यू यू है, सॉरी तीसरा नंबर में तो यू सब में है, यानी कि तीसरा पे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब तीसरा नंबर पे यहाँ, चौथा नंबर पे एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ जी है और यहाँ पे एन है, तो आप खुद समझिए कि अब ये तीनों चारों में सबसे पहले तो जी का नंबर आएगा, क्योंकि एल ए यू, एल ए यू ये सब तो सब में कॉमन है। अब सबसे पहले जो आएगा नंबर दो आएगा, क्योंकि जी शुरू में आएगा एल ए यू के, तो दो ऑप्शन से शुरू हो रहा है ओनली नंबर चौथा ऑप्शन, चौथा पटा करेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें बहुत शॉर्टली करने का तरीका है, मेथड है, आप चीज़ों को ऑप्शन भी देखें, इसलिए हम हमेशा आपको बोल रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं कि एक नज़र आप ऑप्शन भी देखते रहिए, ताकि आपका टाइम टेकन को बहुत कम कर सकता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दूसरा सबसे पहले आएगा, दूसरा वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ तीन के बाद जी है और इसके में तो आएगा जी एच आई जे के एल एम एन, तब ना बाद में एन आएगा जो कि चौथा नंबर पर है। तीसरा पर तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब में एल ए यू ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा, और बाकी जो होगा उसको चेक भी नहीं करना है, वो ऑब्वियसली आएगा। जैसे नेक्स्ट भी क्वेश्चन ही वही है, डिक्शनरी का ही है, लेकिन इस बार चारों ऑप्शन, चार को जो दिया हुआ है वो अलग अलग मीनिंग है। सी ओ एम सी ओ एम सी ओ एम, देखिए अब हम लोग कॉम्प 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 तीन पर नहीं, यहाँ चार पे भी डिसीजन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चारों सेम सेम है, वही नहीं कॉम्पली कॉम्पली सेम में है, कॉम्पली तक के सेम है, यानी आई तक के हम लोग डिसीजन नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग को जो डिसीजन करना है सी 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 और यहाँ पे ए है, एक बात तो गारंटी है कि सबसे पहले चार होगा क्योंकि ए होगा। अब ऑप्शन नंबर चार तो तीनों में है, दूसरा तीसरा चौथा, इसलिए अब इसके बाद कौन होगा, तो ए के बाद तो अब ये तीनों में से कौन होगा, क्योंकि सी 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 है, सी के बाद यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ सी के बाद आई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे अंत में होगा, क्योंकि सी है, सी के बाद यहाँ ए है दोनों में, उसके बाद आई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि शुरू में चार होगा और अंत में दो होगा, तो शुरू में चार और अंत में दो ऑप्शन नंबर तीसरा है, बाकी बीच में होगा ये दोनों होगा, या तो फिर पहले एक होगा पहले तीन होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है करने का, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता का आंसर करना है। हम ये बात बोल रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन को पहले बढ़िया से पढ़ना चाहिए, ये कभी कभी दे देता है कि करके बनाया जाना चाहिए, तो उसमें एक ठो रहेगा उसका यूज करके बनाया हुआ और बाकी नहीं रहेगा, तो उसको करेक्ट करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, तो आप होटल्स को देखिए, एच ओ टी ई एल एस, होटल्स तो बनाया जा सकता है। अस्मित तो एस ए एम आई टी एच, इस भी बनाया जा सकता है। पिस्टल, पिस्टल में आप देख पा रहे हैं कि एल यूज नहीं हो रहा है, यहाँ एल है ही नहीं, तो ये कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कैलकुलेशन का है कि अगर प्लस का अर्थ भागा है, यानी कि जहाँ पे भी प्लस दिख रहा है वहाँ पे भागा करना है, और भागा का अर्थ घटाव है, जहाँ आपको भागा दिख रहा है वहाँ माइनस कर देना है, घटाव का अर्थ गुना है, यानी कि जहाँ घटाव है वहाँ गुना का साइन दे देना है, अगर गुना का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ प्लस है, तब आपको इसको सॉल्यूशन करना है। अच्छा घटाव का अर्थ क्या बोल रहा था, घटाव का अर्थ गुना, तो यहाँ भी गुना करेंगे क्योंकि यहाँ भी घटाव है यहाँ भी घटाव है, तो दोनों जगह गुना कर देंगे। अब इसके बाद जो कैलकुलेशन कीजिएगा बोर्ड मास के रूल से, पहले डिवाइड, डिवाइड का मतलब छः भागा तीन करेंगे, उसके बाद
इनटू करेंगे, उसके बाद जोड़ घटाव करेंगे, जो ऑप्शन राइट आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर देख लेंगे। चूंकि हम यहाँ सॉल्यूशन नहीं कर सकते, हम एक आपको आइडिया दे सकते हैं कि बस जोड़ घटाव करना है, लेकिन यहाँ पे साइन जो इंस्ट्रक्शन देगा, जो कंडीशन देगा, उसको फुलफिल करा के ये करना है, सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहेजा ने एक स्थान से चलना शुरू किया, वह 3 किलोमीटर उतर गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 3 किलोमीटर ऊपर गया, उसके बाद पूरब की ओर, तो ऊपर की ओर पूरब होता है, इधर होता है 4 किलोमीटर पूरब की ओर चला, तो इधर होता है पूरब, पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला। फिर नेक्स्ट है ऊपर देखिए, फिर बोल रहे क्या, पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब आगे बोल रहा है कि पश्चिम की ओर, तो यहां से पश्चिम तो बैक जाएगा 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर बैक फिर चला गया। फिर क्या बोल रहा है, 2 किलोमीटर चला और तब दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब यहां से बैक आने के बाद दक्षिण में 3 किलोमीटर चला, यहां से 3 किलोमीटर दक्षिण आया। तो अब बोल रहा है सवाल में कि चलकर रुक गया है, रहेजा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो अब यहाँ पे जब रुका है तो चलना तो यहीं से शुरू किया था, अब यहाँ से ये किस दिशा में है, तो यहाँ से ये पूरब दिशा में है, तो इसका आंसर पूरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि यदि किसी कागज का विशिष्ट विधि से मोड़कर छेद किया जाए तो उसको खोलने पर कागज के नीचे, अब देखिए इसमें उल्टा सवाल बोल रहा है, इसके पिछले वाले हम लोग सेट में देखे थे कि कोई कागज है उसको मोड़ करके छेद किया गया है तो खोलने पे कैसा दिखेगा, और यहाँ पे सवाल उल्टा है, बोल रहा है कि खोल करके दिखाया गया है छिद्रों की संख्या, या छिद्र दिखाया गया, ये खुला पेज में है, और बोल रहा है कि इसको मोड़ करके कैसे छेद किया जा रहा होगा, तो खोलने के बाद ऐसा दिख रहा होगा, यानी कि चीजें उल्टा पूछ दी गई है, यानी हमसे पूछ दिया गया है, मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर हम इसको कैसे मोड़ कर छिद्र करेंगे 4 ऑप्शन में से, कि खोलने पर ऐसा दिखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में अगर छेद करेंगे तो इसको दोबारा से खोलेंगे तो ऐसे 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 और ऐसे ऐसे दिखेगा दोबारा, और फिर इसको चौबारा खोलेंगे तो यही चीजें फिर ऊपर नजर आने लगेगा, इतना सारा बिंदु जो कि इसमें है नहीं वैसे, और इसको तो बिल्कुल नहीं खोल सकते हैं क्योंकि 2 का है, और 2 को अगर हम दोबारा खोलेंगे, सॉरी 2 इधर है 2 इधर है 4 है, दोबारा में खोलेंगे तो 8, और 8 का फिर दोबारा में 16, तो ऐसा है नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें चार छिद्र अभी है, इसको हम लोग एक बार खोलेंगे तो 2×8 बन जाएगा, फिर उसको पूरा खोलेंगे क्योंकि 1 जो है ये दोबारा खोलेगा तो फिर ऐसे जाएगा, और फिर इसको ऐसे खोलेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, तब जाके फुलफिल होगा। तो ये छिद्र सही है क्योंकि अगर इसमें हम लोग अगर दोबारा से खोलेंगे तो बिल्कुल 1 छिद्र से 2 छिद्र बनेगा, और इसको दोबारा से हम पलटेंगे तो इतना छिद्र बन जाएगा, जो कि ऑप्शन में सही है, उसको खोलने पे वैसा ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो जी हाँ बिल्कुल, पेपर कटिंग आप पे डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा सोचे, बढ़िया से चीज़ों को समझें कि आखिर कैसे कटिंग करेंगे, कैसे तो हमको खोलने पे कैसा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए मिसिंग कैरेक्टर है, इसमें आपको ये ध्यान देना रहता है कि हम लोग इसको हम हमेशा बोल रहे हैं कि हमेशा रो और कॉलम पे ही ध्यान देना है कि कौन से रो और कौन से कॉलम। अगर इधर से बात किया जाए तो 5 4 9 6 3 9 7 2 तो 9 नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इधर से चलना बेकार है। और ऐसे भी एक आइडिया हम आपको दे चुके हैं कि उसी रो और कॉलम में चलिए जिसमें आने पे एक बड़ा कुछ वैल्यू दिख जाए, ऐसा इसलिए कि अगर कोई भी बड़ा वैल्यू दिख जाए तो इस तो मामला फिट है कि इधर ही कुछ ना कुछ हो रहा हो, और कुछ ना कुछ का मतलब है कि जब बड़ा वैल्यू दिख जाए तो गुना का ही कुछ हो रहा होगा केस। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो 6 5 30 और 7 37 तो नहीं हो रहा है, 6 5 30 और 7 5 35 30 और 35 65 बिल्कुल सही है। देखिए हो क्या रहा है, 5 को 6 से गुना किया 6 5 30 और 5 को 7 से गुना किया, यानी कि इसको और इसको गुना करके जोड़ रहे हैं तो 65 आ जा रहा है। 4 3 12 और 4 2 8 12 8 जोड़ रहे हैं तो 20 आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे क्या रखा जाए 4 ऑप्शन में से कि इसको इसको और इसको इसको गुना करके जोड़ने पे 45 आना चाहिए, तो यहाँ पे रखा जाए 1, तभी तो 9 1 9 और 9 4 36 अगर जोड़ेंगे तो 45 होगा, इसलिए राइट आंसर 1 वहाँ रखेंगे तब फुलफिल करेगा ऐसा मिसिंग कैरेक्टर जो है, और जैसा कि जैसे सब में हो रहा है वैसा ही सब इसमें भी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि अब इसको फुलफिल करना है, क्योंकि चार ऑप्शन जो दिया है वो नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, तो हम इसको पहले इधर फुलफिल करा लेते हैं। अगर इसको फुलफिल फिगर को होने के लिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से ऐसे होना पड़ेगा और फिर एक सर्किल का बात है तो ऐसे होना पड़ेगा सर्किल, और एक बिंदु है उसके बाद बिंदु दिया जाएगा, और एक फिर से बड़ा सर्किल और फिर से दोबारा से एक सर्किल, और चूंकि बाहर में फिर बिंदु है तो बाहर में बिंदु, मतलब ऐसा जिसमें फिगर बन रहा होगा, ऐसा फिगर जिसमें बन रहा होगा वही आंसर होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा फिगर किस में है, पहले वहां पे हम लोग दिए थे, ये तो हो नहीं सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि पहले ये है और दोबारा से ये तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, वही फिट बैठेगा नहीं, देख रहे हैं कितना दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो ये तो होगा नहीं, और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक अंत में भी बिंदु है, ये भी गलत, ये भी गलत। इसमें अगर देखते हैं हम लोग बात, तो जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले ऐसे किए थे, फिर छोटा एक सर्किल दिए थे, फिर बिंदु दिए थे, फिर दो सर्किल और फिर यहाँ से एक डॉट था, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें तो कोई डॉट ही नहीं दिख रहा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि देखते हैं कौन सही होता है। पहले स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को हम पहले ये बता चुके हैं कि जो भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन रहेगा वो कुछ भी दिया रहे, स्टेटमेंट को बिल्कुल 100% ट्रू मानना है, उसको ट्रू मानने के बाद कंक्लूजन को देखना है कि कंक्लूजन उसके आधार पर, स्टेटमेंट के आधार पर सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। चलिए पढ़ते हैं, बोल रहे हैं समाचार पत्र में, जब तक समझ नहीं है स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, समाचार पत्र में एक विज्ञापन के अनुसार कंपनी ए का शुद्ध कार्बनिक शहद प्रयोग करे, एक स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि समाचार पत्र में एक विज्ञापन छापा हुआ है, एक विज्ञापन के अनुसार ये बताया गया है कि कोई भी कंपनी का नाम ए है का शुद्ध कार्बनिक शहद प्रयोग करे, यानी कंपनी जो है ए का शुद्ध शहद प्रयोग करे, ऐसा स्टेटमेंट में बोला गया है एक समाचार पत्र में विज्ञापन के अनुसार। अब चलिए कंक्लूजन पढ़ते हैं, कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, क्यों कि जब विज्ञापन में ये लाया गया कि कंपनी ए का शुद्ध कार्बनिक शहद प्राप्त करें, प्रयोग करें, इसका मतलब ये है कि हम लोग कृत्रिम यूज करने वाले हैं, कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई ये विज्ञापन दे रहा है तो हम लोग ये तो आराम से समझ सकते हैं ना कि अब कृत्रिम भी शहद बनाया जा सकता है, तो कंक्लूजन वन बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़िए, लोगों को शुद्ध कार्बनिक रूप से तैयार शहद के लिए अधिक भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पैसे का बात तो मामला तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि अब पैसे के लिए अब कितना भुगतान करने की आपत्ति है कि नहीं है वो तो लोगों पे डिपेंड करेगा, ऐसा तो कोई नहीं समझ सकता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है, तो केवल वन सही होगा। तो यहाँ पे अनुमान करके दिया है, तो अनुमान केवल वन, तो अनुमान वन निकलता है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो इस तरह से स्टेटमेंट कंक्लूजन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोल रहे हैं कि इसमें ऐसा आकृति दिया हुआ है। अब ऐसा आकृति में आप देख पा रहे होंगे दोनों फिगर आ रहा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि शायद अच्छा से दिख नहीं रहेगा, हाँ अच्छा से दिख रहा है। अब यहाँ पे एक नज़र ये फिगर है और दूसरे पार्ट में यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो आप दोनों को देखिए, इसमें ये क्वेश्चन है ना कि इस चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को टिक किया जाए कि सभी चीजें इसमें आ जाए, तो आप इसमें थोड़ा सा काउंट कीजिए गोले को, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गोलों की संख्या दो ठो छोटा छोटा गोला है, एक और दो, और बड़े गोले जो भरा हुआ है एक दो तीन चार पांच है, यानी कि पांच गो गोला भरा हुआ है और दो गो गोला छोटा है जो भरा हुआ है, और खाली गोलों की संख्या एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ है। तो अब आप इसमें से वही चीज, और वही नहीं, यहां से आपको ये भी चीज ध्यान देना होगा कि वर्ग जो है दो ठो है, दो ठो वर्ग है, कोई भी खुला नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा सही होगा, तो पहला ऑप्शन, तो ये चीज तो ऐसे ही गड़बड़ दिख रहा है, इसलिए गड़बड़ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे दो वर्ग नहीं बन सकता है, एक वर्ग का पार्ट खुला है, ये इसलिए गलत है क्योंकि सब खाली खाली डॉट्स है, एक दो तीन चार भरा हुआ है बाकी सब खाली है, और हम आपको यहाँ पे काउंट करवाए थे कि काउंट कर लीजिए कितना है, तो पांच तो बड़ा बड़ा भरा हुआ है, दो छोटा भरा हुआ है और नौ खाली है, तो ऐसा आप देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पे अगर बात करें तो एक दो तीन चार पाँच छ सात
तो भरा हुआ है, 9 का काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 8 9, बिल्कुल सही, पहला सही है। दूसरा भी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा है जो खाली है, और यहाँ पे खाली डब्बों की संख्या 9 है। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप दोनों को चीज़ों को मिलाकर देख लीजिए। बस सवाल ये था कि जैसा है यानी कि सेम चाहिए। अब सेम में आपको इधर उधर हो सकता है, जैसे वर्ग ऐसे बनाया हुआ है तो यहाँ उल्टा हो सकता है, लेकिन हमको कुछ ना कुछ उसी का पार्ट दिखना चाहिए या फिर कैसे भी अरेंजमेंट क्यों ना हो। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा। अब 200 मीटर किसी भी दिशा में आप चल सकते हैं। मान लिया कि 200 मीटर दो का मतलब 200 इधर चला, उत्तर की तरफ चला, उसके बाद मैं दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा का मतलब यहां से दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ा और 1 मीटर, 1 का मतलब 100 मीटर चला तथा दूरी तय की, तब बाएं मुड़कर मुड़ा और 300 मीटर। अब यहाँ से बाएं कैसे मुड़ेगा, तो ऊपर जाएगा बाएं, तो बाएं मुड़ा तो 3 मीटर चला ऊपर की दूरी तय की, अंत में मेरा मुख उत्तर की ओर है, मैंने किस दिशा में अपनी यात्रा शुरू की थी। तो खुदा ना खास्ता मैंने वैसा ही डायरेक्शन में स्टार्ट किया था कि इसका मुख अब उत्तर की ओर ही है, तो हमने स्टार्टिंग में तो उत्तर की ओर ही चला था, इसलिए राइट आंसर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। बोल रहा है कि एक दिया हुआ है फिगर, इसमें त्रिभुजों की कितनी संख्या है बताना है गिनकर। तो आप देखिए एक पार्ट में 1 2 3 4, एक पार्ट में 4 है, यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, तो 4 4 8 12, ये 12 तो फिक्स हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक बीच में है जो दिख रहा है, तो प्लस 1 किया तो हो गया टोटल 13। उसके बाद हमने बड़ा वाला को काउंट किया, एक यहाँ भी है, 1 2 और 3, तो 13 और 3 ऐड किया 16। और दोस्त भूल रहे होंगे आप एक बड़ा खुद दिया हुआ त्रिभुज, ये भी त्रिभुज ही है, तो 16 में और एक ऐड किया बन गया 17। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो इस तरह से ट्रायंगल में आप काउंट भी कर सकते हैं। अगर इसके लिए भी रूल है, एक कंडीशन है कि अलग अलग टाइप्स के लिए आते हैं, इसको अगर 2 भाग में बांटते हैं 3 भाग में बांटते हैं तो कितना त्रिभुज बनते हैं, इस पर भी एक रूल है, लेकिन इसके लिए कोई रूल नहीं है। आप सिंपल काउंट कर लीजिए कि टोटल कितना त्रिभुज है, तो देन आपको ऑप्शन में जो रहेगा उसको टिक कर देंगे तो आपको सही होगा। तो इस तरह से ये सेट नंबर 3 का टोटल हुआ 25 क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।